ISUZU का मतलब जो कॉन्सेप्ट जो ऑफ-रोडर्स हैं उनमें इतना ज़्यादा शौक था नहीं, बिकॉज आप ISUZU का नाम दें तो ट्रक्स जहन में आते हैं, लाइट ट्रक्स, हैवी ट्रक्स, कमर्शियल। देन इसका इंजन जो है वो ऑब्वियसली थोड़ा साउंड जो है उसका एक पुराने जो ISUZU टूपर्स वगैरह जो आए थे हमने चलाए भी हैं, बट आई थिंक अब जब से ये D-Max को देखा है और देखने के साथ इसमें सवार भी हो गए। हम सरफरंगा रैली में गए थे सर। और D-Max रैकी के लिए आमिर ने रखी भी थी, फिर हमारा कुछ 6 दिन का टूर था और ऑब्वियसली वो नॉर्दर्न एरिया में जो है कुछ जगहों पे, ऐसी जगहों पे D-Max को देखा है। आई थिंक महमूद वीवर दोसाई, और उसकी हाइट पे जो है ना वो हाई एल्टीट्यूड पे सम हाउ वी फाउंड दिस वेरी टॉकी, इन द सेंस के मैं कहता हूँ कि दो हमारे पास व्हीकल्स थी 4 लीटर 1 GR, बट ये है कि मतलब उस एरिया में जहाँ पर थिन एयर होती है इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इनफैक्ट क्वाइट अ फ्यू टाइम वी ओवरटुक इन द 4 लीटर इंजन। ओके ओके। एंड सर इस पे आप इसका फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं कि D-Max जो है वो पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है, और सबसे जो बेस्ट पॉइंट आपको लगा हो इन वाइल ड्राइविंग द व्हीकल या वाइल सिटिंग एज द पैसेंजर इन द व्हीकल, सबसे बेस्ट एज पॉइंट आपको क्या लगा आपको इसका? बताऊं कि इसका जो आईपॉड जो मुझे चार्जर ये एक प्लस पॉइंट लगा, प्लस वेंट भी, एंड देन यू कैन हैंग योर फ्यू थिंग्स ऑन द बैक सीट आल्सो, बैक सीट पे बहुत कंफर्ट है, तो वो चीजें जो है हमें थोड़ा आई थिंक बाउंसी भी कम है, जो पाकिस्तानी रिवो है वो बहुत बाउंसी है, आई थिंक इट्स अ लॉट मोर कंफर्टेबल इन रिवो, दिस वाज बैक स्टेबिलिटी में, और जो हाई स्पीड में जाते हैं और गाड़ी जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में, स्टेबिलिटी आई फील के जो कल मैंने ये जो ये वाली आपकी पीछे गाड़ी खड़ी है इसी में राइड किया था, तो आई फील के ये थोड़ी ज्यादा स्टेबल और सॉलिड फील हुई है। एंड सर हाउ डू यू सी के इसका जो सेफ्टी फीचर है, मतलब रिगार्ड व्हाइल ड्राइविंग एक जो डर होता है व्हीकल को टॉपल होने का, ऑब्वियसली यू आर द रेसर्स और आप लोग जिस स्पीड के ऊपर ड्राइव कर रहे होते हैं, गिव चैलेंज टू एनी प्रोडक्ट आई टेल यू, क्योंकि मतलब रेवोल्यूशनरी चीज़ें आ रही हैं और दिस मस्ट बी वन ऑफ दैट, के क्योंकि D-Max को दूर से थोड़ी इस मरतबा मतलब नया जो इसके मॉडल्स हैं उसमें थोड़ी रगड़ नज़र आती है, बट इसके ऊपर सवारी जो है बैक पे, मेरे पास कुछ इसकी वीडियोस भी हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा सर प्लीज़, ठीक है ना, हमने वो खाना बदोश होते हैं ना जी जी। उन लोगों को नाजर वॉज ड्राइविंग, आमिर वॉज ड्राइविंग, जब हम एक और डेस्टिनेशन पे पहुँच रहे थे तो कोई 10-15 बच्चे और कुछ फ्यू एडल्ट्स इसमें पीछे बिठा लिए थे उनको ना माशाल्लाह के लिए, तो उसकी वीडियो मेरे पास है और मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो ऑस्ट्रेलियन मार्केट की तो ये लीडर है सर, एग्जैक्टली, तो आई सॉ के मतलब वहाँ पे लोगों ने इसके पोटेंशियल को देखा है बिल्कुल, और ऑफ रोडिंग में स्पेशली और जो टफ ड्राइविंग है, जो टफ टेरेन्स हैं वहाँ पे लोगों ने, मैंने ये देखा है कि D-Max को ज़्यादा प्रेफर किया है, रिवोज भी नज़र आए हैं पर D-Max ज़्यादा था, तो व्हेन आई स्पोक टू देम मैंने पूछा कि आप क्यों D-Max इतने ज़्यादा हैं और हमारे यहाँ तो रिवोज इतने ज़्यादा हैं, तो बेसिकली उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो स्टेबिलिटी जो सबसे ज़्यादा और जो इंजन की रिलायबिलिटी और जो पावर और टॉर्क कर्व है वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, प्लस इट वाज लॉट मोर कंफर्टेबल देन द हाइलक्स, तो उसके अलावा इसके अंदर जो सस्पेंशन की ऑप्शंस हैं वो आई एम श्योर के आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता भी लगेंगी और एक्सट्रीम जो है उसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले करेगा लोगों को जो है वो इसकी प्रोडक्ट्स देने में, तो आई फील के इट इज़ अ वेरी कम्पेटिटिव प्रोडक्ट, और आप अगर इसकी प्राइस देखें तो वो कम प्राइस में आपको अच्छी चीज़ मिल रही है, तो आई थिंक ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है जो लोग अगर क्रॉस कर लेंगे
तो आई थिंक दिस विल प्रूव टू बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह सर. और कोई प्लान सर आप लोगों के इस गाड़ी को ट्रैक पे उतारने के किसी दिन? आप स्पॉन्सर करें ना फिर, गाड़ी दे दें हमें, हम उतार देंगे. चले इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह वी विल स्पॉन्सर सर. इसके ऊपर वी आर इन प्लान, फ्यूचर इज ब्राइट. हमने इसके ऊपर रिसर्च भी की हुई है. बिल्कुल, इसके ऊपर हमने रिसर्च की कि हम इसको जो है वो किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं. तो जो इसके इंजन को मॉडिफाई करने के लिए जितनी हमें चीज़ें मिली वो बड़ी ज़बरदस्त, मतलब पावर इन्हेंस कर सकते हैं आप. आमिर भाई ने तो इसमें यूनिचिप भी इंस्टॉल किया है और ही इज सेइंग कि ये यूनिचिप इज अ मॉन्स्टर. यूनिचिप तो एक स्टार्ट है ना जी, इससे आगे बहुत कुछ है. आप बिगर इंटरकूलर पे जाते हैं, आप बिगर नोजल्स पे जाते हैं, आप जो है बिगर टर्बोस पे जाते हैं, और वो सारी चीज़ें अवेलेबल है. वो सारी चीज़ें अवेलेबल है और सस्पेंशन में जो चीज़ें इसकी अवेलेबल हैं अमेरिकन मार्केट में, तो अगर वो हम इसको यहाँ पर लगाएं तो ये अपनी क्लास की विनिंग गाड़ी होगी इंशाल्लाह सर. इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू सो मच जैन साहब, थैंक यू सरफराज साहब, एंड सर थैंक यू सो मच सर.